नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। नितिन गडकरी ने राज्यसभा में कहा है कि पहाड़ी इलाकों में एक्सीडेंट काफी ज्यादा होते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पहले लोहे के बैरियर लगते थे जो हेवी दुर्घटना को रोक नहीं पाते थे, लेकिन अब नई तकनीक आ गई है जिसका इस्तेमाल सरकार करने वाली है। इसमें कंक्रीट में प्लास्टिक का एक गोल मशीन लगा होता है जो किसी भी बड़े से बड़े दुर्घटना के प्रेशर को झेल लेता है और फिर ट्रक कितनी भी जोर से टक्कर मारे व नीचे नहीं गिरता। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस तरह की दुर्घटना अक्सर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश की तरह पहाड़ी इलाकों में होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक UGC ने आज देश भर के 20 यूनिवर्सिटीज को फर्जी करार दिया है। बकौल मीडिया रिपोर्ट, आयोग ने कहा है कि फर्जी घोषित किए गए विश्वविद्यालयों को डिग्री देने का अधिकार नहीं है। हैरानी की बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली के 8 विश्वविद्यालयों का नाम भी इस सूची में शामिल है। अमेरिका के शोधकर्ताओं की एक टीम ने कैंसर का इलाज करने वाली टैबलेट की खोज की है। अमेरिका में सबसे बड़े कैंसर अनुसंधान और उपचार संगठनों में से एक सिटी ऑफ होप के शोधकर्ता द्वारा विकसित की गई है। ये गोली कीमियोथेरेपी के दौरान ठोस ट्यूमर को खत्म करने में मदद करेगी। बता दें कि इस टैबलेट पिछले 20 सालों से विकसित की जा रही है। अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता के कारण इस साल लगभग 6,86,82,999 टन अतिरिक्त प्लास्टिक कचरा प्रकृति में समाप्त हो जाएगा। बावजूद 2040 तक वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण 3 गुना हो जाएगा। स्विस अनुसंधान परामर्शदाता अर्थ एक्शन के अनुसार चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया, थाईलैंड, रूस, मैक्सिको, अमेरिका, सऊदी अरब, कांगो, ईरान और कजाकिस्तान के साथ भारत उन 12 देशों में शामिल है जो दुनिया के 52% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार है। भारत में अपने मोटर व्हीकल के कारोबार को बढ़ाने के लिए टेस्ला पूरी तरह से तैयार है। एलन मस्क की टेस्ला इंडिया मोटर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने पुणे के पंचशील बिजनेस पार्क में ऑफिस के लिए एक जगह किराए पर लिया है। कंपनी की ओर से यह कदम टेस्ला के अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल के भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों को बेचने के लिए प्रोत्साहन और लाभों पर चर्चा करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री से मुलाकात के बाद उठाया गया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड सचिन बिश्नोई आखिरकार भारतीय एजेंसियों की पकड़ में आ ही गया है। सचिन को लंबी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अजरबैजान से भारत डिपोर्ट किया गया है। विदेशी जमीन पर बैठकर भारत में अपराध करने या भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाला केवल सचिन ही नहीं है, इसके जैसे कई ऐसे गैंगस्टर हैं जो खालिस्तानी आतंकी हैं जो दूसरे देशों में छिप कर भारत के खिलाफ साजिश रचने और वह भारत में वारदाताओं को अंजाम देते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सलाह दी है कि सभी आधार संख्या धारकों को अपने डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए नामांकन की तारीख से हर 10 साल में कम से कम एक बार अपने दस्तावेजों को आधार में अपडेट करना चाहिए। ऐसा करने के लिए UIDAI ने नेटिजन्स के लिए आधार कार्ड दस्तावेजों के मुफ्त अपडेशन की सुविधा भी शुरू की। अब नेटिजन्स अपने आधार दस्तावेजों को 30 सितंबर तक बिना किसी शुल्क के अपडेट कर सकते हैं, जबकि पिछली समय सीमा 14 जून थी। भोजपुरी सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव को एक 4 साल पुराने मामले में कोर्ट से राहत मिली है। चेक बाउंस मामले में खेसारी के खिलाफ कोर्ट की ओर से गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद एक्टर ने जमानत की पूरी कार्रवाई की। कोर्ट की ओर से 10,000 के 2 बंद पत्र जमा करने के आदेश दिए गए और साथ ही अगली सुनवाई में उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं। बिहार में अब बिजली की दरें एक समान करने की तैयारी चल रही है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग की मंजूरी मिलने के बाद अगले साल अप्रैल महीने से नई व्यवस्था लागू की जाएगी। अभी बिजली कंपनी अलग अलग स्लैब के आधार पर बिजली बिल की वसूली करती है। आने वाले दिनों में बिजली दर का सैलाब खत्म हो जाएगा, जिसके बाद एक ही स्लैब बिजली उपभोक्ताओं के लिए होगा। सदस्य जल्द ही पार्लियामेंट की कैंटीन से खाना ऑर्डर करने के लिए एक नया मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकेंगे। जो भी ऑर्डर होगा सीधे सांसदों को उनकी सीटों पर मिल सकेगा। वे कैंटीन से कुछ भी ले जाने के लिए भी पैक करवा सकेंगे। भारत सरकार की ओर से गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगे बैन की वजह से पाकिस्तान को बम्पर फायदा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट के अनुसार राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि चावल निर्यात पर भारत के प्रतिबंध की वजह से पाकिस्तान के चावल निर्यात में वृद्धि होने का अनुमान है। कुनो नेशनल पार्क में मंगलवार को एक और दक्षिण अफ्रीकी चीते की मौत हो गई। बीते 5 महीने में यह 9वीं मौत है। मरने वाले चीतों में 6 वयस्क हैं, बाकी 3 शावक हैं। इसे लेकर चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी के सभी विदेशी एक्सपर्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर नाराजगी जताई है। उन्होंने प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि कमेटी को अनदेखा करते हुए उसे कई चीजें छुपाई गई हैं।
बॉलीवुड एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह बॉलीवुड से लेकर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अक्सर अपनी राय रखते नजर आते हैं। हाल ही में कमाल राशिद खान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सीजीआई चंद्रचूड़ को धन्यवाद, जो बिना किसी डर और पक्षपात के अपना काम कर रहे हैं। वह भारत को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जो भारत को ऐसे ईमानदार जजों की अधिकाधिक आवश्यकता है। केआरके का यह ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई जिले के चिल्लनकुप्पम गांव में मरियमन मंदिर में 100 साल के बाद दलितों को प्रवेश मिला है। दलितों का समूह जब मंदिर परिसर में प्रवेश किया तो उन्हें पुलिस की टीम ने सुरक्षा प्रदान कर रखा था। सब कुछ शांति के माहौल में संपन्न हुआ। पुलिस ने कहा है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने अब तक कोई विरोध दर्ज नहीं कराया। आपको बता दें कि गाँव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। खबर राजधानी पटना से। यह हाई कोर्ट में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले दो जालसाज के खिलाफ कार्रवाई हुई। यह मामला पटना सिटी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार पटना सिटी के चौक थाना की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। चौक थाना के पुलिस ने हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में क्लर्क और चपरासी की नौकरी दिलाने के नाम पर 3-3 लाख ठगी करने वाले दो जालसाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी चौक थाना के शिकारपुर इलाके के चिकटोली का है। ब्रह्मांड अपनी विशालता के साथ कई गहरे राज छिपाकर बैठा। इनमें से कुछ सबसे बड़े रहस्यों के पड़ताल के लिए डिजाइन की गई यूक्लिड अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की पहली झलक ली है। अंतरिक्ष यान के दो उपकरणों ने प्रारंभिक टेस्ट फोटो ली है, जिससे तारों से जगमगाते दृश्य सामने आए, जो साबित करते कि जहाज पर मौजूद सभी चीजें बेहतरीन स्थिति में है। देश में लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच खींचतान चल रही है। कयास लगाए जाने की सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है और नई पेंशन स्कीम के नियमों में बदलाव कर सकती है। क्या केंद्रीय कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन की 40-45% न्यूनतम पेंशन मिलेगी? इस सवाल के जवाब में राज्यसभा में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर बैन लगा दिया। ये बैन HSN 8741 कैटेगरी के तहत देश में आने वाले प्रोडक्ट्स पर लगाए गए हैं। इसमें अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाले कंप्यूटर और सर्वर भी शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि प्रतिबंधित किए गए इन सामानों के आयातों के लिए वैध लाइसेंस लेना जरूरी होगा। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत का स्टेटस बदलकर ओवरवेट कर दिया है, क्योंकि उसका मानना है कि देश का सुधार और मैक्रो स्टेबिलिटी एजेंडा मजबूत पूंजीगत व्यय और लाभ के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। ओवरवेट रेटिंग का मतलब है कि फर्म को उम्मीद है कि भारत की अर्थव्यवस्था भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करेगी। अमेरिका के AAA दर्जा खोने और चीन में आर्थिक मंदी की पृष्ठभूमि में भारत के स्टेटस में यह सुधार किया गया है। फर्म ने कहा है कि भारत के मैक्रो संकेतक लचीले बने हुए हैं और अर्थव्यवस्था 6.2% GDP पूर्वानुमान को प्राप्त करने की राह पर है। विदेश मंत्री नौवे CII भारत LAC कॉन्क्लेव में साझा एवं सतत विकास के लिए आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाना को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वास्तव में विदेशों के साथ भारत के संबंधों को और बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश मंत्री अजय शंकर ने गुरुवार को कहा कि पिछले 9 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए, हमारे संबंध लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों से एक नई राह पर आगे बढ़े हैं। मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीकी चीतों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को यहां एक और चीते की मौत की खबर आई, जो बीते 5 महीने में 9वीं मौत है। जिन चीतों की मौत हुई है उनमें से 6 वयस्क और 3 शावक शामिल है। लगातार हो रही चीतों की मौत पर अब प्रोजेक्ट चीता में शामिल अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से सरकार को सबक लेना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को वाराणसी जिले अदालत के उस फैसले को प्रभावी कर दिया, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के साइंटिफिक तरीके से ASI सर्वे का आदेश दिया था। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस प्रिंतकर दिवाकर ने कहा है कि ASI के हलफनामे पर विश्वास न करने का कोई आधार नहीं है, लिहाजा वाराणसी अदालत जिला अदालत का फैसला प्रभावी रहेगा। चीफ जस्टिस ने कहा है कि न्याय के हितों को देखते हुए साइंटिफिक सर्वे बेहद जरूरी है। विश्व के पटल पर भारत तेजी से उभर रहा है। केंद्र सरकार का दावा है कि जल्द हमारा देश दुनिया में विश्व गुरु बन जाएगा, लेकिन इन सब के बीच भारत सरकार ने देश की नागरिकता छोड़ रहे लोगों की जो संख्या बताई है उसने सबको चौंका दिया है। हर साल बड़ी तादाद में लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये देश के उच्च वर्ग के लोग हैं। भारत सरकार ने इस पर एक रिपोर्ट दी है, जिसके अनुसार जून 2023 तक 87,026 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। धार्मिक यात्रा के दौरान पथराव तथा मारपीट करने वाली उग्र भीड़ द्वारा की गई हैवानियत का नया मामला सामने आया है। पथराव के दौरान विरोध करने वाले एक युवक का पीछा करते हुए हाथ में डंडे तथा अन्य हथियार लिए युवकों खेरला चौक से कुछ दूरी पर स्थित अलवर अस्पताल में उपद्रव किया। पहले भीड़ ने युवक को पीटा, वहां
किसी तरह से वह बचकर निकल भागा तो उसकी कार को आग के हवाले कर बगल में खड़ी डॉक्टर की कार को क्षतिग्रस्त किया। युवक की कार में रखी 3 लाख रुपए की रकम लूट ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुत्तों की आबादी पर नियंत्रण के लिए सख्ती शुरू कर दी है। यूपी में इस समय एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर पर काफी फोकस किया जा रहा है। इसके तहत योगी सरकार ने प्रदेश में 2,16,000 से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी की है। 250 करोड़ से कम टर्नओवर वाली दवा कंपनियों को जीएमपी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए 12 महीने का समय दिया जाएगा। जिन कंपनियों को ये सर्टिफिकेट मिलेगा वह अपनी दवाओं को एक्सपोर्ट कर सकेंगी। सर्टिफिकेट ना होने पर दवा बनाने का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। गेहूं की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार रूस से आयात करने पर विचार कर रही है। इससे घरेलू गेहूं के स्टॉक में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है और आटे की कीमतों में राहत मिल सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार सरकारी सौदे के माध्यम से रूस से 9 मिलियन टन गेहूं के आयात पर विचार कर रही। गेहूं का अधिक भारतीय उपभोक्ता थोक प्राइस बुधवार को 6.2% बढ़कर 2,480 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,663 रुपये हो चुका है। पाकिस्तान से अपने प्यार सचिन मीना के लिए भारत आने वाली सीमा हैदर ने इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। सीमा को कुछ लोगों की नफरत मिली तो कुछ लोगों का प्यार भी मिला, लेकिन इन सबके बीच सीमा और सचिन के परिवार ने आर्थिक तंगी का भी सामना किया, जिसके चलते प्रोड्यूसर अमित जानी ने सीमा हैदर को अपनी आगामी फिल्म में रोल ऑफर किया था। वहीं अब बुधवार को सीमा से मिलने जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस की टीम भी पहुंची थी। सीमा हैदर की भारत की राजनीति में भी एंट्री हो गई है। दरअसल सीमा हैदर को एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवाले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। सीमा हैदर ने भी आरपीआई के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है धनंजय कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, नुन्नू गोलू कुमार, नौसाद अंसारी, रविशंकर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सीमा हैदर को राजनीति में आने के लिए निमंत्रण देना कितना सही है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।